लास्ट हमारे यहाँ 10 साल पहले वेडिंग हुई थी ईशा दीदी और जीजू की, और 10 साल बाद जब ये हो रहा है तो ये बहुत बड़ा फंक्शन है और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मेरे को जैसे जीजू चाहिए थे वैसे ही है, वो बहुत फ्रेंडली है, बहुत केयर टेकिंग है। काले रंग दा परांदा मेरे सजना ले आंदा नी, मैं चुम चुम नी मैं चुम चुम रख दी पिरा, मैं पप्पा बार नच दी पिरा, मैं पप्पा बार नच दी पिरा, मैं पप्पा बार 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 मैं पप्पा बार नच दी पिरा, मैं पप्पा बार नच दी पिरा, मैं पप्पा बार नच दी पिरा। अभी मैं ये सोचता हूँ कि कितनी छोटी थी वंशिका, एक सूटकेस के अंदर सो जाती थी वो, तो आज उसकी शादी है। जब वो छोटी थी तो वो कभी मम्मा के आसपास ही घूमती रहती थी, उसको एवरी टाइम मम्मा चाहिए होती थी। मैंने कभी सोचा नहीं था। शादी 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 आ गई, वंशिका की शादी। Are you happy today? Yes. बहुत खुश हुई यार। कितना 18 की थी तब से चाहता था वंशी शादी कर ले, वंशी शादी कर ले। जीजू मैं छोटी हूँ ना, जीजू मैं छोटी हूँ ना। Finally today, आज वो दिन है। मुझको यूं मिल ही गया, अब लग रहा है कुछ नया सा, जो तू यहाँ तो आसमां भी है झुका सा, अब तुझ में ही थम गई है मेरी ये जिंदगी, तुझसे मिले तो लग रहा है कि मंजिल मिल गई। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शाश्वत जी हमें मिले जैसा वंशिका चाहती थी, उतने ही प्यारे, उतने ही फन लविंग एक फ्रेंड, जो कि वंशिका की हमेशा से चॉइस थी कि मुझे हस्बैंड में इसको फ्रेंड का रूप चाहिए था। परिवार भी बहुत ही सुंदर मिला है, मिथिलेश जी, सीमा जी, हमको पूरा की बहन अनमोल जी, दामाद जी और बिटिया आना, बहुत ही प्यारा परिवार मिला है और धार्मिक परिवार मिला है।
Congratulations. 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 Congratulations.